राम राम सारी बहना ने। आज मैं थाने श्राद्ध पक्ष में सुननारी एक कथा को गीता को अध्याय है सुनियो जरूर, क्यों गीता को अध्याय सुनिया आपने पूर्वजा ने मुक्ति हुए और वंशत गति हुए बांगी। तो आज छोटो सा अध्याय सुन लियो, श्राद्धा में जरूर सुननी चाहिए। यहाँ ना करियो कि हमारे पितर कोई नहीं, पितर को नहीं हुए पर वन पूर्वजा ने पितर ही बोले सात पीढ़ियाँ ताई, श्राद्धा में जरूर सुननी चाहिए। तो एक कोई नगरी बसाई, भगवान की बसाईड़ी नगरी है, जद आप ठू जावांगा नहीं, जद भी नगरी में जाना पड़ेगा अपन, 13 दिन ताई अपन है बैठे ही रहना पड़ेगा। तो एक नगरी भी वहाँ सारी प्राणियाँ इकट्ठी होगी, तो बने 13 दिन ताई तो बना छो भाई गिरगा भोजन लारू दाणो खिंडावे बेटा बहू व्रत करे इकत करे जड़को दान करे वो सारो मिले तो वहाँ कोई याद को नहीं हुआ कभी मैं इकट्ठा हाँ। तो जब 13वां दिन आयो जब बने फिर बैठा की कौन मिलियो की कौन मिलियो सारा ढूंढता फिर कभी मारो घर कटे घर कटे। जब रामायण आई बुढ़ी लुगाई को रूप बन गए, बोले भाई के ढूंढता फिरो थे, बोले मारो घर कौन ला दियो तन्ने तो के पूछा के तू तो आप फिरती फिर मार ले दाई। तो रामायण तो उठ गई फिर तू सिर आगे चलिया बोलिया मारो घर कटे बीसी सुनी कोठी कोई कह मेरा बंगलो कोई कह इं हो। फिर मिली भागवंत, भागवंत बुढ़ी लुगाई को रूप धार गए, बोले बुढ़ी डोकरी आने लग रही है इन्हें पूछा के इन्हें के ठाया कह, तो कह के भाई आप फिरती फिर तो ढूंढते अपल दाई। बोले भाई के ढूंढो के नू काम हो गया थे क्या फिरो, बोले मैं तो बुढ़ी माई ये घर ढूंढा था ना तब के ठाया। तो वाह भागवंती उठ गई फिर आई गीता, गीता का देवी आई नहीं जागे अरबा बोली कि भाई के ढूंढता फिर वो, बोले के ढूंढा बुढ़ी माई मारो घर कौन मिला, एक बोले ने पूछ लिया कि बुढ़ी 3 बारी आ गई क्या तीसर और आ गई ने पूछो, बोले मारो घर ढूंढा बोले थार घर को निशान बताओ भी कट्ठे थारो घर कौन थार घर को जेंट है और कट्ठे के नंबर है के बार डाइया बताओ। जद बोलियो फिर याद करियो तो बोले चित्रगुप्त जी एजेंट है हमारे घर को। जद कह चित्रगुप्त जी कने बोले चलो, तो मान ले गई चित्रगुप्त जी कने, बोले महाराज कह घर पूछा आप वो अंकोठी बंगला कह मैं बहुत कमाई करी है बहुत रुपया इकट्ठा करिया ये मसा ही घर बनाया इतना तकड़ा तकड़ा अब थे मन बताओ कह आंको घर बताओ। जद चित्रगुप्त जी यहाँ बोलिया कह मैं तो भाई लेखो जोखो सारा खत्ता गो पोपा भाई दे दूँ, पोपा भाई आगे लेखो देख है। तो बोले ठीक है पोपा भाई के दरबार लेगी बुढ़ी माई लेगी, पोपा भाई गेट कटकटाए बोले भाई पोपा भाई आगा घर है कोठी बंगला कटे है, बोले आगा घर कोठी बंगला तो मैं आगे जमा कर दिया, बोले आगे कट्ठे कर दिया बता, बोले वो धर्मराज जी बतावेगा। तो बोले ठीक है तो धर्मराज जी कन लेगी वा डोकरी लेगी, बोले धर्मराज जी के खटखटायो गेट धर्मराज जी के 4 पोड़ी हुए चित्रगुप्त की और जमराज की धर्मराज की पोपा भाई की, 3री पोड़ी धर्मराज जी की लेगी लेगी ने। जब बोली कि भाई धर्मराज जी बोले कुकर आई बुढ़ी माई, बोली के आई कहाँ घर कोठी बंगला पे लादया कौन है कह मारा बहुत कट्ठा करया रुपया में बहुत कमायो और मारो गयो कट्ठा के घर कौन मिलन आ रहा घर बताओ। तो धर्मराज जी दूता ने बुलाया जमदूता ने, बोले आओ भैया हम कट्ठे पोपा भाई जमा करी है वो बताओ कह ठे कट्ठे ले गया कट्ठे ही वो लेखा जोखा लिया ऐरान बता गया वो कह। जद जकी जमपुरी के माँ नरगा माँ बने ले गया दूत है जका ले गया जब बैठे कोई तो किने कीड़ा खान लाग रहा कि फांसी टूटन लाग रही किने के नाम आग में बालन जगन लाग रहा कोई तत्ते थम्भागा हाथ मारे बात भरे कोई है जका बिकड़ावा माँ उकड़े बिंगा माँ छाड़ मरावे। तो देख देखे थर थर कांपया बहुत जी घबराया भांगा अब के कराँगा तो कौन नहीं हमारा तो मैं तो बहुत कमाई करी, बोले कमाई तो करी दान पुन में लगाई गई, बोले ना दान पुन में कौन लगाई मैं तो कट्ठी करी अरे कोठी बंगला बनाया। तो ऐ तो कर्मा डंडा है भी अच्छा अच्छा करे तो अच्छा मिले अब थे ईशा करके थाने ईशा थे कभी बहन सुहासणिया ने खुश कौन करी और पराई स्त्रियां छेड़ी कणी और किंगाई भी विधवा को धन अड़प्यो और कणी माँ बाप ने दुख दियो जकांगा काम कह आई नगरी है अर थाने अठे ही रहना पड़ेगा। जद बोलिया कह भाई अब मैं के करा भी धर्मराज जी के पास आया, बोलिया मार तो भाई बस की बात कौनी यार मैं तो बहुत दौर हाँ अठे तो कोई मरनो जीणो ही कौनी मृत्यु लोग में मर जाए तो खड़ो छुट जाए तो मर रहे आत्मा आत्मा ने छुट्टी दियो थे जदि आत्मा जावे इतना तो इतनी तड़फावे तो ही दुख पावे। फिर धर्मराज जी बोलिया दया कर ली थोड़ी सी बोल थाने गीता का भागवंत का रामायण का थोड़ा सा दर्शन हो गया नहीं जद मैं थाने
थोड़ सो उपाय बताऊं। बोले 15 दिन था नशाइन थी मिलेगी 16 श्रद्धा में। जब कोई शो हुआ वो थारे साथ पीढ़िया में कोई भागीरथ वर्गो जल मेड़ो वो कोई दो बात जड़गो दानी कर देव नहीं फिर भी थारी काया तिरपत हो जाएगी। जे थारा गाल सी श्राद्ध तो थारो पितर है तर्पण हो जाए तो थाने फिर भी शांति मिलेगी वो भी तो सुख भोग सको थे और बाकी कौन भोगे। जब बोले महाराज माने पछा गाल दियो जब बोले पछा पूछा अब कौन जावे इंग मई है सो कि भी थाने सारो ज्ञान है इति कथा कहानी बंग माथे ध्यान कौन दियो काम में ध्यान दियो कह कण देखियो इतने कमाई थारी बीत गई सारी। बोलियो महाराज मारो जमारो तो इं गयो थे गणी खर्ची दी माने और गणी थे माने छुट्टी दी पर मारूँ हो कौनी। जद कह भी अच्छा कर्म करे तो अच्छो हुए अर माड़ा करे तो माड़ो हुए तो भी अच्छा अच्छा कर्म करो अपने तो आप अच्छो करा तो अच्छो भोगा नहीं तो बिया बाई नगरी मिलेगी। पहली पो तो बी नगरी में जावा बैठे 13 दिन तो आपने भी कि अच्छा करेड़ा हुआ तो सप देने ले जाएगी छोड़ दे ठड़ गए जमराज दूत बंग तो बन कह बिया करना पड़े बंग तो ड्यूटी लगे बंग कोई दया है कोई है अब बिता ही तड़फावे बैठे सारा जी जंत बिना पंख का बिना हाथ पग का किता ही हो जाए सारा वह ले जाए और बंग सागे आ कहानी हुआ है तो आए गीता वो अध्याय है वो तो वो अध्याय सुन लियो और आगे दान पुन करियो और थारे वडेरा ने और पितरा ने शांति मिलेगी ना करियो पितर में धोखा कोनी धोखन की बात कोनी हुआ है वडेरा अपना जावे नहीं जगह पितर ही हुआ है तो अंग नाम वो थे दान करियो तो थारे घरे सुख शांति हुई कई अंग चाण से कई धन हो जाए नहीं यहाँ करो काल प्रश्न की कोई देखिया अंक शोक दिन गिरी हुए तो वह पितरा ही दया हुआ है वह पितर संतुष्ट हुए नहीं जिस सारो की हुआ है कई अंग का इतो तो चाण से कहीं घटो लग गया नहीं वह पितर रुष्ट हुआ है जब वो घटो लग गया जब कह पितरा जरूर मनाना चाहिए और अपने घरे सारो की हुआ है तो वो दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र गो करो जड़ गो करो अन्न गो करो माया गो करो जे आप 1 रुपया कर दियो 2 कर दियो कोई अपने बटुओ खाली को नहीं हो 1 रुपया कर दिया तो ही भगवान दुगुणो दे और गऊ को दान करो कि कनी है तो और धरती भूमि को दान कर दियो कि कनी है तो भी हो दान थोड़ो कर